नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टॉक पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग का कब तक संभव हो सकता है, आखिरकार इतना लेट क्यों हो रहा है एग्जाम, क्या चल रहा है रेलवे के अंदर, कुछ अलग अलग भ्रांतियां, कुछ अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट डिटेल कि आखिरकार आप लोग का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर, बड़ा सा बड़ा आप लोग की एग्जाम डेट के लिए अथक प्रयास कर रहा है ताकि आप लोग की जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द जारी हो सके। जितना हो सके हम आप लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी दोस्तों यूं ही प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के लिए। जब तक आप लोगों की एग्जाम डेट जारी नहीं हो जाती रेलवे ग्रुप डी की, तब तक आप लोगों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोगों की जो एग्जाम है ग्रुप डी की वो जनवरी 2022 से शुरू हो सकती है, जैसा कि सोर्सेस से पता चल रहा है। दोस्तों लगभग हर जगह पर हर बोर्ड से दोस्तों यही न्यूज निकल के सामने आ रही है कि आप लोगों की एग्जाम जनवरी 2022 से शुरू हो सकती है 100%। जी हाँ दोस्तों, सभी जगह ये न्यूज फैल रही है और सभी जगह से एक ही न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जनवरी 2022 लास्ट है। तो दोस्तों इस साल तो आप लोगों की एग्जाम होने से रही, दिसंबर 2021 तक आप लोगों की कोई एग्जाम नहीं होने वाली। अगर आपने इतने दिन निकाल लिए अपनी एग्जाम का इंतजार करते करते, तो लगभग 2 से 2.5 महीने बचे दोस्तों, ये भी निकाल लीजिए। जनवरी से पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों की एग्जाम होने की। अब कई स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर फालतू की वीडियो लेकर आ जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कोई सही तरीके से न्यूज हमें नहीं दे पा रहा है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मैं उन लोगों से दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि आपकी जो एग्जाम डेट के लिए सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, हर एक यूट्यूबर, हर एक बड़ा टीचर, हर एक बंदा जो इस मुहिम के अंदर खड़ा है कि आप लोगों की एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकती है, वो सभी लोग दोस्तों परेशान हैं। तो इसके लिए आप किसी एक को क्रिटिसाइज बिल्कुल मत करें कि आप ये फालतू की वीडियो लेकर जाते हैं, ये चीज वो लेकर जाते हैं। दोस्तों जो न्यूज हमारे पास होती है या मेरे अलावा किसी और यूट्यूबर्स या कोई सा टीचर जो इस मुहिम के अंदर खड़ा है उनके पास जो न्यूज होती है वो न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने आ जाते हैं। तो इसमें दोस्तों कोई बुराई नहीं है, हमारे पास जो न्यूज होती है वो आप लोगों के पास शेयर करने आ जाते हैं हम। दोस्तों आप मेरी ले लीजिए, मैं कोई अपनी तरफ से न्यूज तो बनाता नहीं हूँ, मेरे पास जो न्यूज आती है, जो भी सोर्सेज से जहीं से भी न्यूज आती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आ जाता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी एग्जाम की तैयारी को सुचारू रूप से चलने दें, आप लोग की जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द जारी होने वाली है और हम सब लगे हुए हैं दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सब लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, बड़े बड़े यूट्यूब्स लगे हुए हैं आप लोग की एग्जाम डेट के लिए। दोस्तों रातों की नींद खराब हो रही है हमारी खुद की कि भाई आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो आखिर क्यों जारी नहीं हो रही, ऐसा क्या चल रहा है रेलवे के अंदर, किस वजह से आप लोगों की एग्जाम डेट है वो जारी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, चैन से अपने एग्जाम की तैयारी को चालू रखें, आप लोगों के लिए हम खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो जल्द से जल्द जारी कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लगे रहिए आप अपनी तैयारी के अंदर बिना टेंशन के, बिना फिक्र के। आप तो दोस्तों मन में सिर्फ एक बात ही बिठा लीजिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा आगे भी वो भी अच्छे के लिए होगा। आप तो बस बिना टेंशन के, बिना फिक्र के अपनी तैयारी को चलने दीजिए। बाकी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे रेलवे के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आएगी वो आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।